दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं एक बहुत ही अति आवश्यक सूचना लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और ये एक इन्फॉर्मेशन है कि 15 मार्च को शनिदेव एक नए नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस नक्षत्र का नाम है सताविशा नक्षत्र, और इस नक्षत्र में शनि देव के प्रवेश करने के बाद शनि देव इसी नक्षत्र में रहेंगे 6 अप्रैल 2024 तक। तो ये अवधि काफी बड़ी है। इसके अलावा कुछ खास विशेष जानकारियां हैं जो मुझे आपको देनी है। देखिए, इस दौरान जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज गुरु अपनी ही राशि में, मीन राशि में, पापकत्री योग में है, क्योंकि आप देखोगे कि शनि देव एक तरफ है कुंभ राशि में और मेष राशि में राहु है, बीच में फंसे हुए हैं गुरु। इसी को हम कहते हैं पापकत्री योग। अब जब तक गुरु वहां पे हैं, जब तक वो राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, ये संभव नहीं है कि ये पापकत्री से बाहर निकलेंगे। जैसे ही निकलेंगे, लेकिन वो 22 अप्रैल को, तो यहां से निकल करके वो चंडाल योग बना लेंगे राहु के साथ। अब ये चंडाल योग जो है, जिसकी मैं बातें इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बात कर रहा हूं कि ये जो चंडाल योग है ये अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जब सताविशा नक्षत्र में शनि देव प्रवेश करेंगे 15 मार्च को, क्या चीजें हैं जो मैं देख पा रहा हूं, जो 15 मार्च से लेकर के लगभग अप्रैल के आखिर तक चलेंगी। सबसे पहले समझना है हमें कि सताविशा नक्षत्र क्या है। सताविशा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। इसका जो नाम है सताविशा, अगर इसको आप दो में भाग करोगे तो शतक, और शतक का मतलब होता है 100, और विशा यानी के जिसे कहते हैं डॉक्टर, वेद, जो बीमारियों को ठीक करते हैं। ऐसे में ये नक्षत्र के जो लॉर्ड है, डेटी है, देवता है, वो है वरुण। इन चीजों को अगर आप दिमाग में रखते हो, और फिर हम देखते हैं कि ये नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद शनि देव हमारे सामने कौन सी परिस्थिति सामने लेकर आएंगे। मैं फिर से बताता हूं कि शनि देव एक न्यायप्रिय ग्रह है। आप बहुत सी चीजों को होते हुए देखोगे, लेकिन उसमें से जो मुख्य जो चीजें जो मैंने उतार के आपके सामने रखी है, मैं उस पर बात कर रहा हूं आपसे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या घटनाएं हमारे साथ, हमारे सामने होंगी। दोस्तों, अब जो कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूं आपसे, जो आपसे साझा कर रहा हूं, उसे एक एक करके समझिए, और ये भी समझिएगा कि ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये पूरी दुनिया पे लागू है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे देश में या हमारे आसपास है, क्योंकि ज्यादातर लोग फिर उस कंफ्यूजन में रहते हैं। कुछ गवर्नमेंट के डिसीशंस, सरकारी डिसीशंस, राजनीतिक डिसीशंस ऐसे होंगे जो अधिकांश लोगों को शायद पसंद ना आए, और जिसके वजह से काफी कंफ्यूजन लोगों में रह सकता है। ये एक पहली बात है, जब 15 तारीख के बाद में शनि देव सताविशा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अचानक से हिंसक घटनाएं बढ़ने की संभावना है। आसपास में कुछ ऐसा वातावरण होगा जिसके वजह से कुछ जगहों पे लोग रास्ते पे उतर जाएं या हिंसक घटनाएं हो जाए, ये चीजें हो सकती है। हमारे जो मीडिया है, चाहे वो कोई भी मीडिया क्यों ना हो, उसके द्वारा जो फैलाई हुई इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो हमें भ्रमित कर सकती है, रास्ता भटका सकती है, और वही चीज
कारण बनेगी कि इन घटनाओं का, जो मैं हिंसक घटनाएं कह रहा हूं आपसे, गलत सूचनाएं इतनी ज्यादा फैलेंगी जो शायद आज तक नहीं हुई है। आपको दूसरों की बातें सुन करके कोई फैसला नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो सूचना मुझे मिली है कहां से आई है, किसने भेजी है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मैं दूसरे लोगों से पता करूं कि क्या इसमें सत्य है या सत्य नहीं है। कुछ जगहों पे, कुछ देशों में युद्ध जैसे आसार नजर आएंगे, वहीं पर इकोनॉमिक जो कंडीशन है और कानून को लेकर के कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जिसे चैलेंज भी किया जाएगा, और कुछ डिसीजंस ऐसे भी होंगे जिसमें कानून में काफी बदलाव हो सकता है। वो अभी भी हो रहा है, लेकिन ये आगे जाकर के और ज्यादा प्रभाव अपना दिखाएगा। हम में से हर कोई, आप मैं, हमें एक अनचाहा, मतलब एक कंफ्यूजन, एक भ्रम सा हो जाएगा, और ये जिसे कहते हैं ना जिंदगी और मौत जैसी सिचुएशन बनती है, जहां पर हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पे मजबूर किया जाएगा और हमें वो फैसले लेने पड़ेंगे। लोगों में ये बड़ा प्रबल नजर आएगा कि वो चीजों को छुपा रहे हैं, आपके साथ साझा नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके खुद के परिवार के लोग हों, आप खुद भी दूसरे लोगों से अपने मन की बात कहने से घबराओगे। आपको ऐसा लगेगा कि क्या मेरा बताना सही होगा, सामने वाले के मन में क्या है मुझे पता नहीं है, यानी कि सबको शक की नजर से देखना, ऐसी चीजें होने लगेंगी। मैं कह सकता हूं कि झूठ बोलना या चीजों को छुपाना ये ज्यादा दिखाई पड़ेगा। विश्वास करना लोगों पे आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप सभी पे शक करोगे कि क्या जो इन्फॉर्मेशन या जो मैं किसी से कुछ बात कर रहा हूं, क्या ये बात वो अपने तक रखेगा, या क्या इस बात का कुछ नतीजा और निकल सकता है। इसी जद्दोजहद में आप रहोगे। एक अनचाहा डर आपके आसपास बना रहेगा। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और भी साझा करना चाहता हूं कि इस साल गर्मियों में तापमान, जो शायद आज तक हमने ना देखा हो, तापमान उस स्तर पर भी पहुंच सकता है, ये एक संभावना दिखती है यहां पे। अब मैं टेक्निकल आपको बातें नहीं बताऊंगा कि मेरे को क्यों ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा मुझे दिखता है। और फिर थोड़े दिन रुक करके मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो 22 अप्रैल को चंडाल योग शुरू होगा, जो अक्टूबर तक चलेगा, उसका प्रभाव हमारे आसपास दुनिया में कैसा रहेगा, जिसको हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और इसका प्रभाव हम पर हमारी राशि के मुताबिक और हमारे लग्न के मुताबिक क्या रहेगा, मैं इस पर भी वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत जरूर करूंगा। क्योंकि ये 15 तारीख को एक गोचर होने जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि एक कम से कम वीडियो आपको बता दूं कि 15 मार्च से लेकर के अप्रैल तक क्या चीज मैं थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूं इसमें से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, हो सके तो इसे साझा भी कीजिए अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ में। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी कब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।